24 अक्टूबर को देश भर में दशहरे का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस त्यौहार की धूम बॉलीवुड में भी देखने को मिली। बॉलीवुड के कई स्टार्स ने सोशल मीडिया पर फैंस को दशहरे की बधाई दी। इसी बीच एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, जो कि हर त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट करती हैं, उन्होंने भी दशहरे के मौके पर अपने पूरे परिवार के साथ रावण दहन किया। बता दें, हर साल की तरह शिल्पा शेट्टी अपने बच्चों और अपने पति राज कुंद्रा के साथ रावण दहन करती हुई नजर आई। इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ रावण दहन करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शिल्पा शेट्टी ने अपने गार्डन में रावण का एक पुतला बनाया है, जिसे ब्लैक कलर का कुर्ता पहनाया गया है और उसके 10 सर रावण की तरह बनाए गए हैं। इस दौरान शिल्पा शेट्टी ने व्हाइट लॉन्ग स्कर्ट और प्रिंटेड कुर्ता पहना है। वहीं राज कुंद्रा व्हाइट कुर्ता और ब्लैक पजामा में ट्रेडिशनल लुक लिए हुए हैं। शिल्पा शेट्टी की बेटी ने भी अपनी मम्मी को ट्विनिंग करते हुए सूट पहना है। वीडियो में आप आगे देख सकते हैं कि शिल्पा शेट्टी की बेटी शमीशा शेट्टी, उनका बेटा और उनके पति राज कुंद्रा रावण को आग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें, इस वीडियो को शेयर करते हुए शिल्पा ने कैप्शन में लिखा, ईश्वर करे कि दुखों का रावण और मुसीबतों के महिषासुर का आपके जीवन से सदा के लिए निकास हो, उन दोनों का नाश हो और आपका विकास हो। दशहरा और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन शिल्पा शेट्टी ने जैसे ही ये वीडियो शेयर की, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और फैंस इस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं, जिसमें वो राज कुंद्रा को ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, खुद को राम समझ रहे हो क्या? तो एक ने लिखा, रावण की नाभि से दहन करते हैं, ना कि उसकी धोती से। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, रावण रावण जला रहा है। इसके अलावा एक यूजर ने कहा, खुद ही तो रावण है। वेल, इस वीडियो पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.